हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आखिर एलईडी बल्ब जो है वो ख़राब क्यों होता है और किस लिए होता है। तो बने रहे लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हम इस कैप को निकाल लेते हैं बल्ब का, ठीक है, जिसको डिवाइस कहा जाता है, और इस डिफ्यूजर को खोलना है बड़े आराम से ताकि आपको कहीं चोट ना लगे हाथ में। इसको खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसके इसका जो ये हीटिंग प्लेट जो लगा हुआ है स्टील का, इसको को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी भी चीज़ से अंदर के साइड इसको फंसा के इसको इधर से मारने पर वो निकल जाता है आराम से। देखिए इस तरह से इसको अच्छा से घुसा करके आगे से चोट मारने पर ये निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये निकल चुका है, इसको बड़े आसानी से निकालना है या कस के भी नहीं मारने, वरना टूट सकता है इसका प्लेट और एलईडी भी ख़राब हो सकती है। तो चलिए निकल चुका है, ये देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, इसका हर कंपोनेंट जो लगा हुआ है आप देख पा रहे होंगे कि इसका किट भी देखने से में सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन कहीं कहीं पे डैमेज हमको दिखाई दे रही है, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। पहला डैमेज ये है कि इसका रजिस्टर देख सकते हैं आप, बिल्कुल लूज हो चुका है, इसका सब प्रिंट सब कुछ उखड़ गया है, कारण से ये ढीला पड़ गया पूरा। चलिए पहले मीटर चेक कर लेते हैं कि इसका कोई कंपोनेंट ख़राब तो नहीं है। तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक, पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए मल्टीमीटर बिल्कुल सही है। चलिए सबसे पहले इसका रजिस्टर चेक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रजिस्टर बिल्कुल सही है, क्या साउंड दे रही है। उसके बाद आपको इस ड्रम कुल को चेक करना है, ठीक है। तो चलिए पलट के चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका ड्रम कुल भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको चेक करनी है इस ट्रांसफार्मर को, इसके बाद ड्रम कुल के बाद ट्रांसफार्मर, क्योंकि तीनों चीज़ जो देख रहे हैं तीनों चीज़ एक कॉइल है। एक्स्ट्रा भी इसमें भी कॉइल लगा हुआ रहता है, ड्रम कुल में भी कॉइल रहता है, ट्रांसफार्मर में भी कॉइल रहता है। ये कॉइल जलने का चांस ज़्यादा रहता है, सबसे पहले इस तीनों को चेक करें। तो ये पहले ट्रांसफार्मर को जो है चेक कर लेते हैं एक बार, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। हमारे तीनों कॉइल जो की है बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि इस तीन कॉइल को चेक करना है, क्योंकि इसी तीनों कॉइल का ही जलने का चांस पहले रहता है, इसलिए पहले तीनों कॉइल को चेक कर ले। तो तीनों सही है और बाकी कंप्लेंट भी देखने में सब कुछ सही लग रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसका ट्रांसफार्मर जो है बिल्कुल ही डैमेज हो चुका लग रहा है, बिल्कुल हिल रही है, इसको लगता है दोनों प्रिंट उखड़ गया है, देख सकते हैं। देखिए इसका प्रिंट पूरा निकल गया है वो का, इसको पूरा अच्छा से हमको सोल्डिंग करना पड़ेगा। और एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका ये जो है छोटा वाला कैपेसिटर ये भी जा चुका है, इसका भी दोनों ही प्रिंट जो कि है पूरा लूज हो चुका है, शायद प्रिंट भी उखड़ गया होगा, देख सकते हैं। इसका वोल्ट भी 17-10 वोल्ट और 63 माइक्रोफैरड का है, तो इसको भी ठीक सोल्डिंग करना पड़ेगा, ये भी हिल रहा है पूरा। मतलब इसमें तीन चीज़ लूज है, एक रजिस्टर, ट्रांसफार्मर और एक ड्रम कोइल नहीं मतलब। चलिए पहले पेस्ट लगा लेते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ किसे सोल्डिंग करना, अच्छे से पेस्ट लगाना आपको ताकि सोल्डिंग ठीक से पकड़ सके तीनों चीज़ को, एक कैपेसिटर भी। तो चलिए तीनों चीज़ में मैंने सोल्डिंग का पेस्ट लगा लिया हूँ, अब आपको सोल्डिंग करनी बहुत अच्छी तरीके से ताकि और दोबारा लूज ना हो ये, और अगर लूज के प्रॉब्लम से ये हमारा लाइट नहीं जल रहा था तो अभी सब ठीक हो जाएगा। चलिए सोल्डिंग कर लेते करते हैं पहले। इसका प्रिंट पूरा उखड़ चुका है एकदम, इसको चैम्पर मार के सोल्डिंग करना पड़ेगा। उससे पहले हमको साफ करना पड़ेगा कि इसका लेग दिखाई नहीं दे रहा है इसका कहाँ पर है, इसलिए ठीक से और सोल्डिंग बहुत ही ध्यान से करें, अच्छे से करें, ताकि सोल्डिंग मतलब कहीं दूसरे कहीं पर टच ना हो, इसलिए अपने जगह पर सोल्डिंग होना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको सोल्डिंग कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, इसके बाद आपको इस कैपेसिटर का भी करना पड़ेगा, जो भी चीज़ में लूज आपको दिखाई दे सब में सोल्डिंग मारनी है ठीक से। तो ये भी हो गया, अब बचा है लास्ट रजिस्टर, इसको भी चेक कर लेते हैं। पर अब ये निकल गया ये, तो चलिए कोई बात नहीं। इसको देखिए, मैंने इसमें एक वायर जोड़ के अच्छे से इसको निकाल लिया है, अब सोल्डिंग करते हैं देते हैं इसको इसके जगह पे।
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए सोल्डिंग भी हो चुका है। तो चलिए लूज का जो भी प्रॉब्लम था वो तो मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, एक बार आप इसको चेक करके देख लेते हैं पहले कि जल रहा है कि नहीं। अगर नहीं जलता तो इसका आगे और कहीं पर फोल्ड तो चेक करेंगे। तो चलिए इसमें लाइन देते हैं 250 वोल्ट। तो चलिए हम लाइन जो कि इसमें इसके ज़रिए देंगे, ये चार्जिंग स्विच है जिससे हम अपने घर में इमरजेंसी लाइट वगैरह चार्ज करते हैं। तो चलिए इसमें लाइन देते हैं, देखिएगा आप लोग ये जलता है कि नहीं। तो चलिए मैं लाइन दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि जल रहा है ये है। ठीक है, इसका मतलब इसमें ये है दोस्तों कि इसमें बस ये प्रॉब्लम था कि इसका तार भी टूट गया था और इसका हर कंपोनेंट जो कि लूज़ हो गया था, जिसे मैंने दिखाया वीडियो में तीनों चीज़, इसमें एक प्रॉब्लम था। तो चलिए प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई है, अब बारी है इसको इसके अंदर इसका डिफ्यूजर में ठीक से डालने का इसके अंदर। चलिए इसको सेट कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हैं इसका जो ये बाइसिस का ये ऊपर वाला सोल्डिंग जो कि पूरा खड़ चुका है। क्या बात है दोस्तों, इसमें हर का ही मतलब हर चीज़ का इसमें सोल्डिंग खड़ गया है। उस किट में भी दिखाया मैंने इसमें तीन कंपोनेंट उखड़ चुके हैं, इसको आगे का भी कैप का भी ये एक सोल्डिंग खड़ चुका है। तो इसकी जगह हम नया लगाएंगे, देख सकते हैं इसको लगाने वाले हैं। इसके लिए हमको इसका सोल्डिंग निकालना पड़ेगा, देखिए कुछ इस तरह से। चलिए इसको निकालने के बाद दिखाता हूँ। देखिए मैंने पूरी तरह से सोल्डिंग निकाल दिया है, इसको साफ़ कर लिए अच्छे से। अब इसकी जगह में इसको सेट करने वाले हैं। चलिए इसको अंदर डाल लेते हैं। इसको भी आपको अच्छे से कस देने हैं, इसका हीटिंग एलिमेंट जो भी हीटिंग प्लेट जो भी है, ताकि जब गर्म हो तो निकले नहीं। ठीक है, और अच्छे से कसा रहेगा तो इसमें हीटिंग भी बहुत कम होगा। तार थोड़ा बड़ा इसलिए इसको काट दिए। अब इसके बराबर में तार आ गया है, अब इसको इसके अंदर डालना है ताकि दोनों तार जो की है वो छेद से बाहर निकल सके कुछ ऐसे। चलिए निकल चुका है बाहर, अब हमें इसमें सोल्डिंग करना होगा अच्छी तरह से। चलिए दोनों तार को हल्का हल्का मोड़ लेते हैं और फिर इसमें पेस्ट लगा ले। इससे पहले थोड़ा घिस लेना अगर कहीं पर काफ में बैठा हुआ है तो। चलिए पहले घिस देते हैं हल्का हल्का दोनों तरफ, एक तरफ हो गया इस साइड भी हो गया, फिर हल्का पेस्ट लगा लेते हैं। सोल्डिंग पेस्ट है ये, इसको लगाने से जो कि सोल्डिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। अब चलिए सोल्डिंग करते हैं इसमें। दोस्तों वैसे सोल्डिंग करने से बहुत ही आसान है, बस खाली आपका सोल्डिंग आयरन जो कि वो ज़्यादा हीट होना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही करना, बाकी अच्छा से सोल्डिंग हो जाता है। अगर आपका सोल्डिंग आयरन ज़्यादा हीट नहीं है, ज़्यादा वोल्टेज अगर उसमें नहीं है, तो किसमें टाइम लगता है होने में। चलिए थोड़ा सा और सोल्डिंग वायर डाल के अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं ताकि लूज ना रहे। और ये चलिए एगो तो अच्छा से हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो ये भी कंप्लीट हो गया है लगभग। थोड़ा सा और सोल्डिंग डाल देते हैं ताकि इसका सोल्डिंग तो थोड़ा सा मोटा रहे। तो आप देख सकते हैं कि इसका सोल्डिंग जो कि बिल्कुल कंप्लीट दोनों तरफ हो चुका है। तो ठंडा होने देते हैं इसको। चलिए हो गया। अब आप जो ये दो तार दिख रहा है का ये दोनों तारों को इसको आपको कटर के मदद से काट लेनी है ताकि शॉर्ट ना हो इस तरह की। चलिए मैं इसे काट लेता हूँ पहले। चलिए कटिंग कंप्लीट हो गई। अब बस आपको इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है ताकि जो आपने सोल्डिंग का जो लगाया मतलब सोल्डिंग पेस्ट वो रहे नहीं। चलिए साफ हो गया अच्छा से ये, थोड़ा कस देना अच्छा से ताकि ये लूज ना रहे।
तो हीटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसका डिफ्यूजर को लगा देना है ठीक से। चलिए लग चुका है, अब इसको चेक करके दिखाने वाले हैं मैं आप सबको। इससे कोई काम नहीं, इसको फेंक दीजिए अब, ऐसे भी टूट चुका था वो। चलिए होल्डर लाते हैं, वो मैं चेक करके दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं आप लोग कि एक होल्डर है 250 वोल्ट एसी में चलता है ये, और डायरेक्ट भी चलता है ये, सीरीज बोर्ड भी है एक तरह से, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोनों का मेखी में। तो चलिए लाइन देते हैं एसी में और दिखाते हैं आपको कि ये बल्ब त्याग करने के बाद किस तरह दिख रहा है जलते हुए। देख सकते हैं रोशनी बहुत ही ज़्यादा है इसमें, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।